हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि UPSC, MPSC, MPPSC, STI, PSI जितने भी PSCs हैं उन सब में काम आएंगे। तो इसे प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोकरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उस्ताद स्कीम। तो उस्ताद स्कीम किससे रिलेटेड है? अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आपके लिए याद रखना काफ़ी आसान है, अगर नहीं पता तो हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्कीम है ये अपने जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसे स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए लाई गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, रॉकस्टार मूवी में शमी साहब जो है वो उस्ताद का रोल प्ले किया था इन्होंने। तो इसमें एक डायलॉग भी है रणबीर कपूर का, और इनका रणबीर कपूर कहते हैं कि आप वही हो ना जो तुतारी बजाते हो, क्यों बजाते हो ये सब? तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म है वो कितना डाइल्यूट होते जा रहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसे बचाने के लिए हमें स्कीम्स लाने की ज़रूरत पड़ रही है। खैर, जो ये स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लाई गई है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी जो उस्ताद लोग हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जानते हैं उन्हें स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, रिच हेरिटेज है, वो प्रिजर्व हो सके और वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट हो सके। क्योंकि अभी जो है हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है बहुत डाइल्यूट होते जा रहा है। भले ही हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है बहुत रिच है, बहुत अच्छा है, फिर भी हमारे जो वेस्टर्न जो आर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं वो इसे डोमिनेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उस्ताद इनसे याद रख सकते हो, ये उस्ताद थे रॉकस्टार मूवी में, तो इससे आप याद रख सकते हो उस्ताद स्कीम हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट सनराइज़। प्रोजेक्ट सनराइज़, अब इसे कैसे याद रखा जाए ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि अब देखिए जो हमारा जो सनराइज़ होता है वो इस साइड से होता है। तो इस साइड में कौन से स्टेट्स आते हैं, हमारे पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ सबसे पहले सनराइज़ आता है। तो इसलिए याद रखना काफ़ी आसान है, ये जो स्कीम है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, ठीक है, इंडिया के। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी HIV पॉजिटिव लोग हैं उन्हें ट्रीटमेंट और केयर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि एड्स के लिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, मगर फिर भी सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली इन्होंने ये जो स्कीम है वो लेके आए हैं। ठीक है, तो याद रखिए सनराइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, HIV प्रिवलेंस लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। आगे भी स्कीम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।